इस वीडियो में हम बात करेंगे 1976 की फिल्म जिप्सीज आर फाउंड नियर हेवन के बारे में, जो कहानी है राधा नाम की एक जिप्सी लड़की की, जिसे लोइको नाम के एक चोर से प्यार हुआ, पर जिप्सी होने की वजह से वो दोनों साथ नहीं रह पाए क्योंकि उन्हें अपनी आजादी खोने का डर था। 20वीं सदी के दौर में ऑस्ट्रिया और हंगरी के इलाके में कुछ सिपाही जश्न मना रहे थे और इस बीच लोइको नाम का एक आदमी अपने साथियों के साथ उन सिपाहियों के घोड़े चुरा रहा था। उनकी नजरों से बचकर वो सारे घोड़े चुराने में कामयाब हुआ। घोड़े लेकर वो लोग बलिंत नाम के एक रईस आदमी के पास गए, पर जब उन्होंने घोड़े बेचने की कोशिश की तो बलिंत ने उन्हें चोरी के घोड़े कहकर खरीदने से इनकार कर दिया। ये बात लोइको को अच्छी नहीं लगी और वो बलिंत के मेहमानों के सामने चला गया। उसकी इस हरकत की वजह से मजबूरन बलिंत को घोड़े खरीदने पड़े और घोड़ों के बदले आधे पैसे लेकर वो चोर अपने इलाके की ओर लौटने लगे। गाते हुए वो लोग अपने इलाके में पहुंचने ही वाले थे कि तभी उनके सामने एक सिपाही आ गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए वो सब वहां से भागने लगे, पर अचानक बहुत सारे सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया और उनसे बचने के लिए लोइको को चुराए हुए घोड़े पीछे छोड़ने पड़े। लोइको तो बच निकला, पर उसके साथियों को सिपाहियों ने गोली मार दी और घायल लोइको जंगल में छुपने चला गया। उस जंगल में राधा नाम की एक अनजान लड़की ने उसे देखा और उसे होश में लाकर राधा ने उसका इलाज किया। बातें करते हुए अचानक राधा गायब हो गई और लोइको उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। किसी तरह लोइको उस गांव तक पहुंचा जिसे वो सालों पहले छोड़कर चला गया था और उसे देखकर सबसे ज्यादा खुश उसकी छोटी बहन रोजालीना हुई। लोइको के पिता भी उसे देखकर खुश हुए, पर वो समझ गए कि लोइको मौत के मुंह से निकलकर आया है। कुछ वक्त उस गांव में बिताने के बाद लोइको इल्यूस्का नाम की एक लड़की के पास गया जिसके साथ उसका अफेयर है। इल्यूस्का ये सोचकर निराश थी कि लोइको कुछ वक्त के लिए उसके पास रहकर वापस अपने गांव से दूर चला जाता है, और ये सुनकर लोइको को एहसास हुआ कि वो अब इल्यूस्का की जगह उस अनजान लड़की के बारे में सोचने लगा है जो उसे जंगल में मिली थी। अगली ही सुबह लोइको वहां से निकल गया और अपने नए सफर पर उसे पता चला कि उसके दो साथी अब भी जिंदा है। अपनी बहन और दोस्तों के साथ लोइको एक मेले में गया जहां इल्यूस्का अपने पिता के साथ मौजूद थी। वहां बलिंत भी मौजूद था जिसने अब तक लोइको को पूरे पैसे नहीं दिए थे। कुछ देर बाद मेले में कुछ रोमानी जिप्सी लोगों की आपस में लड़ाई हो गई और उस लड़ाई को रोककर लोइको के दोस्त ने उन्हें समझाया कि जिप्सीज को आपस में लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इसका फायदा शहर के लोग उठाएंगे। ठीक उस वक्त बूचा नाम का एक जिप्सी मुर्गियां चुराते हुए पकड़ा गया और वहां मौजूद लोग जिप्सीज को गालियां देने लगे। पैसे देकर लोइको ने बूचा को बचा लिया और उसे थप्पड़ मारकर समझाया कि उसे ऐसे मुर्गियां नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से सारे जिप्सीज को बुरा भला सुनना पड़ता है। बूचा और लोइको की दोस्ती हो गई और उसने लोइको को अपने गांव वालों के पास चलने के लिए कहा। लोइको राजी हो गया क्योंकि बूचा उसी जिप्सीज के गांव से आया है जिस गांव में राधा रहती है। राधा जिस वक्त अपने दोस्तों के साथ शहर से गुजर रही थी, उस वक्त उसके सामने सिलादी नाम का एक रईस आदमी आया और वो राधा को देखते ही उसे पसंद करने लगा। सिलादी समझ गया कि वो एक ऐसी जिप्सी है जो जादू जानती है, इसलिए उसने राधा को उसका भविष्य बताने के लिए कहा। राधा ने भविष्य बताने के बदले घोड़े की सवारी करने की मांग की और सिलादी राजी हो गया। वहाँ से निकलकर सिलादी उन सबको अपने घर ले गया जहाँ राधा की दोस्तों को कपड़े चुराने का मौका मिल गया। लोइको बूचा के साथ नदी किनारे गया जहाँ बूचा के गांव वालों ने एक कैंप तैयार किया था और उन लोगों ने लोइको का नाचते हुए स्वागत किया। लोइको एक मशहूर जिप्सी था जिसके कारनामों के बारे में हर कोई जानता था, इसलिए लोइको को अपने परिवार का हिस्सा बनाकर वहाँ का मुखिया नूर बहुत खुश हुआ। और फिर लोइको को राधा नजर आई और उसकी खोज पूरी हुई। लोइको राधा से प्यार करने लगा था, पर जब ये बात बूचा को समझ आई तो उसने लोइको से कहा कि राधा एक जादूगरनी है और उससे प्यार करने से लोइको अपनी जान खो सकता है क्योंकि राधा हमेशा अपनी आजादी को चुनेगी। उसने लोइको को राधा से दूर रहने की सलाह दी, पर लोइको अपने आप को राधा से दूर नहीं रख पाया। वो उससे बात करने की कोशिश करने लगा और बहुत देर तक दूर रहने के बाद आखिरकार राधा लोइको से मिलने के लिए राजी हो गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे, पर राधा का कहना था कि राधा ही लोइको की मौत का कारण बनेगी। लोइको ने ठान लिया कि वो राधा के लिए एक खूबसूरत सफेद घोड़ा लाएगा और उसे इस तरह प्यार में पागलपन करते देख उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगा।
दूसरी ओर लोइको के परिवार वालों पर सिपाहियों ने हमला कर दिया था और लोइको के सर पर उन लोगों ने इनाम रख दिया। दूसरे गांव वालों के साथ साथ उन्होंने रोजालीना को भी पीटना शुरू कर दिया, पर किसी ने लोइको के बारे में कुछ नहीं बताया। जैसे ही वो सिपाही घोड़ों को मारने की तैयारी करने लगे, गांव वालों ने हार मान ली और लोइको के पिता को उन्हें उसके ठिकाने के बारे में बताना पड़ा। इस बात से अनजान लोइको ने अपने दोस्तों से उनके घर लौटने के लिए कह दिया और कहा कि उन्हें घोड़ों के बदले बलिंत से पैसे लेने हैं। बुबुला नाम का दोस्त लोइको के साथ रहना चाहता था, पर लोइको ने साफ इनकार कर दिया और ठीक उस वक्त लोइको के पिता सिपाहियों को लेकर उसके सामने आ पहुँचे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरी ओर सिलादी राधा के परिवार के पास आया और राधा के पिता दानीलो से कहने लगा कि वो राधा को खरीदना चाहता है। दानीलो ने कह दिया कि वो रईस लोगों की तरह इंसानों को बेचता या खरीदता नहीं। राधा ने भी उसकी बेइज्जती की और जो कपड़े वो राधा के लिए लाया था, राधा ने वो बूचा को पहना दिए। सिलादी उनके सामने पैसे फेंक कर चला गया, पर दानीलो ने बूचा को वो पैसे वापस देने के लिए कह दिया और गुस्से में सिलादी वहाँ से चला गया। कई दिनों तक लोइको जेल में बंद रहा और उसका काम पूरा करने उसका दोस्त बलिंत के पास गया। लोइको के कहने पर वो बलिंत से घोड़ों के पैसे लेकर वो पैसे अपने पास ही रखने वाला था, पर बलिंत ने पैसे देने से इनकार कर दिया। ऐसा होने पर लोइको का दोस्त घोड़े वापस अपने साथ ले जाने की जिद करने लगा, पर उसे अपने जाल में फंसा कर बलिंत ने उसे मार गिराया और उसकी लाश छुपा दी। सिलादी ने अब भी हार नहीं मानी थी और वो तीसरी बार राधा से शादी करने की जिद करने लगा। किसी ने उसकी जिद का जवाब नहीं दिया, पर राधा ने उसे ये पागलपन छोड़ने की सलाह दी। राधा ने कहा कि वो आजाद रहना चाहती है, पर ठुकराए जाने पर सिलादी ने राधा को बद्दुआएं दे दी। अगले दिन लोइको को फांसी की सजा सुनाई गई और इलियुस्का लोइको के जान की भीख मांगने लगी। इलियुस्का की किसी ने नहीं सुनी और फांसी देने का वक्त आ गया। उस वक्त लोइको का दोस्त बुबुला उसी जगह मौजूद था। मौका देखकर लोइको ने कहा कि वो खुद अपने आप को फांसी देगा और उसकी ये मांग पूरी की गई। अचानक लोइको का घोड़ा उसकी ओर बढ़ने लगा और बुबुला की मदद से लोइको वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुआ। लोइको तो बच निकला, पर इस बीच बुबुला को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। अपने दोस्त से माफी मांगकर लोइको ने उसे दफना दिया और वो सफेद घोड़ा अपने साथ ले गया जो उसने राधा के लिए पकड़ा था। घंटों तक सफर करने के बाद लोइको राधा के पास पहुंचा और उसने अपना वादा पूरा करते हुए उसे वो घोड़ा सौंप दिया। अब राधा के परिवार का हिस्सा बनकर लोइको उसी के साथ रहने लगा और राधा को भी लोइको से प्यार होने लगा। राधा उसे समझाती रही कि उसकी जिंदगी में राधा का आना उसके लिए जानलेवा हो सकता है, पर इस बात से लोइको को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए और एक दूसरे के साथ रहकर उन्हें जितनी खुशी मिल रही थी उतनी पहले कभी नहीं मिली। राधा को इससे पहले कभी प्यार नहीं हुआ था, पर वो जानती थी कि एक रिश्ते में बंध कर जीने से उसकी और लोइको दोनों की आज़ादी छिन जाएगी। फिर भी राधा ने कहा कि अगले दिन उसे सबके सामने उससे शादी की बात करनी होगी। राधा का कहना था कि जब वो दोनों अपनी आज़ादी कुर्बान करेंगे तभी वो हमेशा के लिए साथ रह पाएंगे। वो जानती थी कि लोइको अपनी आज़ादी कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने ये शर्त रखी। वो रात जंगल में बिताने के बाद जब अगली सुबह लोइको की आंखें खुली तो उसे अपने सामने एक बूढ़ी औरत नजर आई। वो राधा को जानती थी और राधा के बारे में पूछने पर उसने बताया कि सुबह होते ही वो अपने परिवार के साथ यहाँ से दूर जाने के लिए निकल गई। लोइको जल्द से जल्द राधा को ढूंढना चाहता था, पर उस औरत का कहना था कि उसे राधा को भूल जाना चाहिए क्योंकि उन दोनों की किस्मत में साथ रहना लिखा ही नहीं है। पर लोइको ने उसकी बात नहीं सुनी और वो औरत समझ गई कि लोइको अपनी मौत की ओर बढ़ रहा है। एक आखिरी बार आराम करके और अपने दोस्त के साथ गाना गाने के बाद लोइको राधा के परिवार के पास जाने लगा। वो एक दूल्हे के लिबास में उन सबके सामने आया और उसने गांव वालों से कह दिया कि वो राधा से शादी करना चाहता है। किसी ने इस शादी के खिलाफ कुछ नहीं कहा और गांव के रिवाज के चलते लोइको को राधा के सामने अपने घुटने टेकने पड़े। राधा उसे घुटनों के बल इसलिए लाई क्योंकि वो चाहती थी कि लोइको अपने घमंड की वजह से उसे छोड़ दे, पर लोइको ने राधा के पिता दानिलो से कहा कि वो सिर्फ राधा के आगे झुक सकता है। लोइको की ये बातें उसके दोस्त माकर को पसंद नहीं आई क्योंकि वो इसका अंजाम जानता था। राधा और लोइको दोनों आजाद रहना चाहते थे, पर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, इसलिए लोइको शादी की जिद कर रहा था। जब उसने शादी के लिए राधा का हाथ मांगा तो अपनी आज़ादी को चुनते हुए राधा ने साफ इनकार कर दिया और गलती से लोइको ने उसे गुस्से में मार दिया। अपनी बेटी को मरते देख दानिलो ने लोइको को भी मार दिया और इस तरह उन दो लोगों की गांव वालों के सामने मौत हो गई जो प्यार और आज़ादी में से किसी एक चीज को चुन नहीं पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।